हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। और पाइथन में खास क्या है, आइए आपको बताता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के बोर्ड एग्जाम में, तो जो 2 तारीख को बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको, और ऐसा क्यों होगा ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था पाइथन में, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन जरूर आता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 16 है मल्टीप्लाई बाई 5 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपॉन फिर क्या है, अपॉन है 4, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, और फिर क्या है, अपॉन 5 है, अपॉन 5, ठीक है, और फिर माइनस 8 है। यानी ये वो क्वेश्चन है। अब इसमें समस्या आपको कहाँ कहाँ आएगी मैं बता देता हूँ। कई बच्चे क्या करेंगे, ये 16 × 5 पहले कर लेंगे, 4 × 2 पहले कर लेंगे, नहीं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिवीजन। और डिवीजन अगर मैं बात करूं तो कहां से स्टार्ट होगा, तो ये देखिए यहां पर जो है इसको, यहां पर 4 है, ये 4 है और ये 5 है, और यहां 5 है और 2 अपॉन 5 है, तो पहले इसको डिवाइड करना होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को, अगर मैं हटा देता हूं और जो डिवीजन वाला जो पार्ट है उसको अगर मैं पहले करता हूं, अगर 5 अपॉन 4 करते हैं तो इसका रिजल्ट 1.25 आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 1.25 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये था कि 16, ठीक है, इनटू, अब चूंकि 1.25 आ चुका है तो यहां हो जाएगा 1.25, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये हो गया 1.25 और मल्टीप्लाई बाई 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 अपॉन 5 है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 2 अपॉन 5 अगर करते हैं तो कितना आएगा, तो 2 अपॉन 5 आएगा 0.4, ठीक है, तो ये भी अब ध्यान रखिएगा। तो इतना तो काम हो गया। अब हमको क्या करना है, 16 इंटू के बाद जो है अगला रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है जो कि क्या है, 1.25 है, 1.25, ठीक है, और 1.25 को मल्टीप्लाई किया गया है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आया है, 0.4 आया है, ये आया है 0.4, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये है 0.4 और माइनस 8। अब यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, 0.0 आएगा। देखिए यहां पर 0.0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 16.1 में इसका जब मल्टीप्लाई होगा और ये जब माइनस किया जाएगा तो ये देखिए, पहले तो ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी अगर आप यहां पे देखेंगे 16 × 1.25, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे आता है 20, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन तो 20 आ गया, यानी इतने का आपका रिजल्ट आ गया 20। अब यहां पर आया है 20.0, यही है ना, तो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे आकर के 20.0, ध्यान दीजिएगा 20.0 हो गया। अब जैसे ही 20.0 होगा तो ये तो इतने का रिजल्ट है 20.0, ठीक है, इतने का रिजल्ट जो है 20.0 आया है, यानी यहां से लेकर यहां तक का रिजल्ट 20.0 है, ठीक है। और फिर क्या है, मल्टीप्लाई, अब 20.0 है और फिर मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, तो यहां देखिए ये है 20.0, मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 आ गया। अब 8.0 को अगर माइनस कीजिएगा 8 में से तो कितना आएगा, तो यहां पे 0.0 आएगा। तो बच्चे कंफ्यूजन में इसमें बहुत गलतियां कर बैठे हैं, तो जिन बच्चों ने गलतियां की हैं आप गलती मत करिएगा। हालांकि अब तो एग्जाम निकल गया आपका, आप सिर्फ आंसर ही देख के काम चला सकते हैं कि कैसे आपका आंसर आएगा। तो यहां पे 0.0 जिनका आया होगा वही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना।